हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन इंजीनियर्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो हमारी नेशनल स्टील कॉरपोरेशन के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ थी, उसका पार्ट नंबर 7। और अगर आपने पिछले हमारे 6 पार्ट नहीं देखे तो प्लीज़ उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। ये जो क्वेश्चन हैं वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कीजिए, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ओके, चलिए अब आज का जो हमारा सेशन है वो शुरू करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट ऑफ वीट फॉर सेफ स्टोरेज इज, जो वीट की जो स्टोरेज करनी है तो उसके लिए जो मैक्सिमम जो मॉइस्चर कंटेंट है वो कितना होना चाहिए? 12%, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, क्योंकि अगर मॉइस्चर वीट का इससे ज़्यादा हुआ तो वो जो है हमारा जो स्टोरेज है, स्टोरेज मटेरियल है, वो इंसेक्ट्स पेस्ट और डिसीजेस से जो है सस्टेनेबल हो जाएगा, तो डैमेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। इसलिए जो मॉइस्चर कंटेंट है वो 12% तक ही रखना चाहिए। ओके, ये 12% है। ओके, नेक्स्ट इज एपिजियल जर्मिनेशन इज फाउंड इन, जो एपिजियल जर्मिनेशन है वो किस क्रॉप में होती है? दैट इज कुकम्बर। और एपिजियल जर्मिनेशन में होता क्या है? एक होती है एपीजियल और दूसरी होती है हमारी हाइपोजियल जर्मिनेशन। ओके, हाइपोजियल जर्मिनेशन, जो एपीजियल जर्मिनेशन है उसमें जो हमारा जर्मिनेशन होती है वो सॉइल सरफेस जो है हमारा उससे बाहर होती है, और हाइपोजियल में सॉइल के अंदर होती है जर्मिनेशन। ओके, जो ये हमारा बेसिक डिफरेंस होता है एपीजियल और हाइपोजियल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मिनेशन इज इनहिबिटेड बाय, जर्मिनेशन को कौन सी जो लाइट हमारी इनहिबिट करती है? दैट इज इंफ्रारेड लाइट। ओके, इंफ्रारेड लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ अरहर इन द वर्ल्ड ये कौन सा है? दैट इज ICPH8। ओके, ICPH8। और अगर हम बात करें कि इसे बनाया किसने था तो दैट इज इक्रीसैट, ICRISAT। और इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो वो है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। ओके, और ये हमारा कहाँ पर है? ये इंडिया में हैदराबाद में है। ओके, इंडिया में हैदराबाद में है। और अगर हम बात करें कि जो ये हमारा हाइब्रिड है बना कब था, तो वो बना था 1993 में। ओके, 1983। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर ट्रीटमेंट इज यूज फॉर, सोलर ट्रीटमेंट किस लिए यूज़ किया जाता है? वो हमारा रूसमार्ट डिसीज है जो उसे कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। रूसमार्ट किसका डिसीज है? दैट इज वीट। और जो सोलर हीट ट्रीटमेंट है जो उसमें क्या किया जाता है, इसमें क्या करते हैं, जो हमारा सीड होता है उसे जो है वाटर में जो है डिप करते हैं, और उसे बाद में एक पॉलीथीन शीट से कवर कर दिया जाता है, और जो हमारा सन है सन रेज में इसे रखा जाता है। ओके, सन रेज के नीचे रखा जाता है। ओके, नेक्स्ट इज एन एलिलो केमिकल बेनिफिशियल टू रिलीजर ओनली। ओके, एलिलो केमिकल जो बेनिफिशियल है ओनली रिलीजर के लिए, तो उसे क्या कहेंगे हम? दैट इज एलोमोन। लाइक इसमें क्या होता है कि अगर जो हमारा दो ऑर्गेनिज्म है, ओके, जो अगर ये वाला हमारा फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है, ये सेकंड है, और ये हमारा अगर रिलीज कर रहा है, ओके, और जो बेनिफिट होगा जो इनकी इंट्रैक्शन का वो फर्स्ट वाले को ही होगा, तो हम इसे एलोमोन कहेंगे। और अगर जो है हमारा सेकंड वाला जो है रिलीज करता है तो उसे कहते हैं हमारा, अगर मींस क्या होगा इसमें, अगर रिलीजर को जो है बेनिफिट होता है तो वो है एलोमोन, और अगर हमारा होता है बेनिफिट टू द एक्सेप्टर तो उसे हम कहेंगे कैरोमोन। ओके, नेक्स्ट वन इज एट्रोपिन इज ए, एट्रोपिन क्या है? एट्रोपिन है एक एंटीडोट। ओके, जब कोई भी हमारा अगर हम बात करें ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हमारे जो ग्रुप के इंसेक्टिसाइड होते हैं, तो अगर किसी को उसकी पॉइजनिंग हो जाए तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं उसके कंट्रोल के लिए? दैट इज एंटीडोट, दैट इज एट्रोपिन। ओके,
नेक्स्ट इज टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स प्रेजेंट इन हनी बी. हनी बी में कौन से जो माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप. ओके, च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप. और अगर हम रास्पिंग एंड सकिंग की बात करें तो ये होते हैं हमारे थ्रिप्स में. ओके, थ्रिप्स में. और च्यूइंग एंड बैटिंग हमारे नॉर्मली ग्रास हॉपर में पाए जाते हैं. ओके, ग्रास हॉपर. और हनी बी है जो जो हमारी इंडियन इंडिया में जो हमारी कल्चर के लिए यूज़ की जाती है, तो वो है हमारी एपिस मेलिफेरा, और इसे हम इटालियन हनी बी भी कहते हैं. ओके, इटालियन हनी बी. ओके, नेक्स्ट इज इन कॉटन दिस सीरियस सकिंग पेस्ट इज. ओके, सकिंग पेस्ट पूछा गया है, और जो सकिंग पेस्ट है वो पहले तो कौन से ऑर्डर में आते हैं, दैट इज हेमिप्टेरा. ओके, हेमिप्टेरा ने आते हैं सकिंग पेस्ट. और इनमें से सकिंग पेस्ट कौन सा है, दैट इज वाइट फ्लाई. बहुत ही सीरियस पेस्ट है कॉटन का. और अगर हम इन तीनों की बात करें, ये बॉलवर्म है, तो ये कौन से ऑर्डर में आते हैं, दैट इज लेपिडॉप्टेरा. ओके, लेपिडॉप्टेरा में. तो सकिंग पेस्ट कौन सा हुआ, दैट इज वाइट फ्लाई. नेक्स्ट इज बैक्टीरियल कॉलोनी इज नोन एज. जो बैक्टीरिया है उसकी कॉलोनी को क्या कहा जाता है इनमें से, दैट इज ऊज. ओके, ऊज. नेक्स्ट इज वेट ऑफ पिजन बी इज कॉज्ड बाय. पिजन बी को हम क्या कहते हैं, दैट इज अरहर. ओके, अरहर भी कहा जाता है इसे. और इसकी जो हमारे वेट है उसे कौन करता है, दैट इज फ्यूजेरियम पुडम. ओके, जो वेट सभी वेट हैं उसे मोस्टली हमारा फ्यूजेरियम ही करता है. और इसे जो अरहर की पिजन बी, अरहर की अगर हम वेट की बात करें तो वो है फ्यूजेरियम पुडम, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है. ओके, ये क्या है, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट इज लीफ कर्ल ऑफ टोमेटो इज ट्रांसमिटेड बाय. टोमेटो का जो लीफ कर्ल डिसीज है उसे ट्रांसमिट कौन करता है, पहले तो लीफ कर्ल डिसीज कौन सा है, दैट इज ए वायरल डिसीज. और इसका जो अगर हम ट्रांसमीटर की बात करें तो वो है हमारा वाइट फ्लाई. ओके, वाइट फ्लाई. नेक्स्ट इज इंडिजिनस प्रो इज. इंडिजिनस प्रो इसमें से कौन सा इम्प्लीमेंट है, दैट इज प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट. ओके, जो प्राइमरी टिलेज के लिए यूज किया जाता है इंडिजिनस प्रो. ओके, नेक्स्ट वन इज प्रो यूज फॉर मैक्सिमम मॉइस्चर कंजर्वेशन. जो मैक्सिमम मॉइस्चर कंजर्व करता है जो प्रो कल्टिवेशन के वक्त, तो वो कौन सा है, इसका आंसर आप हमें देंगे कमेंट में. ओके, नेक्स्ट इज टिल्ट एंगल ऑफ डिस्क प्लो इज. डिस्क प्लो जो है हमारा, उसका जो टिल्ट एंगल कौन सा होता है, कितना होता है, दैट इज 15 डिग्री. और अगर हम उसका जो है हमारा एक हमारा होता है टिल्ट, और दूसरा है हमारा जो डिस्क एंगल कहा जाता है इसे, एक इसे ये है हमारा टिल्ट एंगल, और डिस्क एंगल होता है एक, और वो होता है हमारा 42 डिग्री. ओके, डिस्क एंगल 42 डिग्री और टिल्ट एंगल 15 डिग्री. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है. नेक्स्ट इज शेयर ऑफ फिशरीज इन एग्रीकल्चर जीडीपी. ओके, यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है कि एग्रीकल्चर जीडीपी किसकी, ये इंडिया की बात करेंगे हम यहाँ पर. ओके, इंडिया की एग्रीकल्चर जीडीपी का कितने प्रतिशत जो है शेयर है फिशरीज का, दैट इज 5%. और अगर टोटल इंडिया की टोटल जीडीपी की बात करें, एग्रीकल्चर की नहीं, टोटल जीडीपी की बात करें, तो उसमें फिशरीज का शेयर है 1%. ओके, नेक्स्ट इज इंडियन लाइफ स्टॉक सेंस इज कंडक्टेड आफ्टर एवरी. कितने साल बाद जो है लाइफ स्टॉक सेंसस कंडक्ट किया जाता है, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा. और अगर हम इसका हम बता ही देते हैं, तो वो है 5 ईयर्स के डिफरेंस पे जो है सेंसस होता है. और ये हमने इसलिए बताया क्योंकि अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए, वो हमारा लेटेस्ट सेंसस है, 20th सेंसस हुआ है. ओके, वो है अक्टूबर 2018 में. ओके, जो 20th सेंसस हुआ था. और लेकिन यहाँ पर इसलिए बताया है हमने क्योंकि जो 2018 का जो है डाटा है अभी अवेलेबल नहीं है. ओके, तो उससे जो पहले 19th जो हमारा सेंसस हुआ था. ओके, 19th सेंसस हुआ था 2012-13 में. ओके, तो अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए सेंसस के रिलेटेड, लाइफ स्टॉक सेंसस के रिलेटेड, तो आप इस डाटा के बेसिस पे अपना आंसर देंगे. ओके, नेक्स्ट इज कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन इंडिया इन
कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया गया था, दैट इज़ 1952 में, और इसके एक साल बाद 1953 में शुरू की गई थी नेशनल एक्सटेंशन सर्विस. ओके, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस. नेक्स्ट इज विच क्रॉप इज नोन एज वेजिटेबल मीट. ओके, वेजिटेबल मीट किसे किस क्रॉप को कहा जाता है, दैट इज़ काउपी. और क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें होता है हाई कंटेंट ऑफ प्रोटीन. ओके, प्रोटीन ज़्यादा होता है इसलिए इसे वेजिटेबल मीट कहा जाता है. नेक्स्ट इज एट एवरी ट्रॉपिक लेवल द अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट इज अबाउट. ये क्वेश्चन का आंसर आप हमें देंगे कमेंट्स में. बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीस्ट रेजिस्टेंट मटीरियल मिनरल टू वेदरिंग इज. जो वेदरिंग के लिए जो लीस्ट रेजिस्टेंट मिनरल कौन सा है, दैट इज ओलिवाइन. और अगर हम अबंडेंस की बात करें तो सबसे अबंडेंट जो मिनरल है दैट इज़ फैट्स पर, जो कि 48% है. अर्थ क्रस्ट की बात कर रहे हैं हम. ओके, और सेकंड नंबर पे आता है हमारा क्वार्ट्स, दैट इज 36%. ओके, 36%. नेक्स्ट इज एरिस विटाला इज द बेस्ट ऑफ. ओके, एरिस विटाला किसका बेस्ट है इनमें से, दैट इज़ बोथ ए एंड बी, मीन्स ओकरा एंड कॉटन. और अगर हम बात करें कि इनका जो इसका जो कॉमन नेम क्या है, अगर हम कॉटन की बात करें तो उसमें इसे कहा जाता है स्पॉटेड बॉलवर्म. ओके, स्पॉटेड बॉलवर्म. और अगर ओकरा की बात करें तो शूट एंड फ्रूट बोरर. ओके, शूट एंड फ्रूट बोरर कहा जाता है इसे. ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा. नेक्स्ट इज सोयाबीन इज ओरिजिनेटेड इन. सोयाबीन का ओरिजिन कहाँ हुआ है, दैट इज़ चाइना में. और अगर हम एक इम्पॉर्टेंट जो बेसिक जो है गलती जो है स्टूडेंट करते हैं, तो वो है सोयाबीन की स्पेलिंग की मिस्टेक करते हैं. ओके, तो जैसे इसकी स्पेलिंग है एस ओ वाई बी ई, लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं यहाँ पर ए लिख देते हैं. ओके, वो है गलत आंसर होगा. और आपको इसके इसका ध्यान रखना चाहिए कि आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, तो सोयाबीन की स्पेलिंग जरूर देख लीजिएगा एक बार. नेक्स्ट इज FMD is caused by. FMD क्या है, दैट इज़ फुट एंड माउथ डिसीज. फुट एंड माउथ डिसीज, और इनमें से कौन करता है, दैट इज़ वायरस. ये एक वायरल डिसीज है. ओके, जो लाइव स्टॉक में होता है, लाइव स्टॉक में, और एक वायरल डिसीज है. नेक्स्ट इज बारनेज एंड बारस्टार जीन्स आर यूज फॉर डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड. कौन सी जो क्रॉप मॉडिफाई करने के लिए ये जीन्स यूज किए गए हैं, दैट इज़ मस्टर्ड. लेकिन अगर हम बात करें जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की, जीएम क्रॉप की, तो इंडिया में जो एक्सेप्टेड है, तो अप्रूव्ड है कल्टीवेशन के लिए, दैट इज़ ओनली कॉटन. और मस्टर्ड और ब्रिंजल की बात चल रही है, लेकिन अभी तक इसलिए वो कम्प्लीटली जो है अप्रूवल नहीं मिला है. ओके, तो जो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी क्रॉप है जो अप्रूव्ड है कल्टीवेशन के लिए, तो दैट इज़ कॉटन. इंडिया की बात कर रहे हैं हम. ओके, नेक्स्ट इज हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ एनिमल बॉडी इज. एनिमल बॉडी का जो हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है, दैट इज एनिमल. ओके, एनिमल. नेक्स्ट इज स्टोमेटा क्लोजिंग कैन बी इंड्यूस्ड बाय. इनमें से स्टोमेटा क्लोजिंग में कौन हेल्प करता है, दैट इज केओलिन यूज़ किया जाता है. और ये इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि जो वाटर लॉस है प्लांट से वो कम किया जा सके. ओके, और अगर हम स्टोमेटा क्लोजिंग में जो एलिमेंट हेल्प करता है क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों में, तो वो है पोटाशियम. ओके, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. स्टोमेटा रेगुलेशन में हेल्प करता है ये ओपनिंग और क्लोजिंग बोथ, तो दैट इज पोटाशियम. और इसे हम के से डिनोट करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज एट फील्ड कैपेसिटी वाटर इज हेल्ड एट. फील्ड कैपेसिटी पे जो वाटर है कितने प्रेशर पे हेल्ड होता है, दैट इज 0.3 एटमोसफियर. ओके, 0.3 एटमोसफियर. और 15 एटमॉस्फेयर पे क्या होता है, हमारा परमानेंट वेल्टिंग पॉइंट आता है. ओके, परमानेंट वेल्टिंग पॉइंट. और अगर 0.3 से कम की बात करें तो वहाँ पर हमारा जो वाटर होता है उसे हम अवेलेबल वाटर कहते हैं, लेस देन 0.3 एटमॉस्फेयर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ मेज फॉर इरीगेशन. मेज क्रॉप में इरीगेशन के लिए सबसे जो हमारी क्रिटिकल स्टेज कौन सी है, तो इसका आंसर आप हमें देंगे इन चारों में से. ओके, नेक्स्ट इज बायोरेट कंटेंट इन यूरिया शुड नॉट एक्सीड.
यूरिया में जो बायोफ्यूरेट कंटेंट होता है वो 1.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ओके। और अगर ये ज़्यादा हुआ तो दैट विल कॉज हार्मफुल इफेक्ट्स, ओके। तो इट शुड बी लेस देन 1.5%। और इसके साथ हमारा ये सेशन ख़त्म होता है, और जो क्वेश्चन हमने आपको स्किप किए हैं उनका आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा, और अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट कीजिए और हमसे कभी भी पूछ सकते हैं। तो अगला पार्ट भी हम जल्दी लेकर आएंगे, तो तब तक के लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, ओके बाय।